नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, काफी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिर हमारी डी फार्मा का एडमिशन 2024 में कब तक होगा। जी हाँ साथियों, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं आखिर डी फार्मा की जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्योंकि काफी दिन, 1 से 1.5 महीने हो गए आप लोगों का रिजल्ट आए हुए और आप लोगों के डी फार्मा की काउंसलिंग के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा या प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कब से शुरू हो जाएगी और भी सारी चीजें हैं, आगे का प्रोसेस कब से होगा, क्लास वगैरह कब से स्टार्ट होंगी, ऐसे तो सेशन काफी लेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपका हम कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ में यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पे हम आपको लगातार जो है BTUP डी फार्मा पॉलिटेक्निक जीकब से संबंधित वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी लाते रहते हैं। फिर भी आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह को जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य के बारे में, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो से टाइप कर बनाया जाएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं जीकब की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, आप लोगों का यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज अपडेट यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, ऑल कैंडिडेट फॉर डी फार्मा आर हेयर बाई इंफॉर्मेशन डेट काउंसलिंग डेट फॉर डी फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी शैल बी अराउंड अ लेटर डेट, यानी कि लेटर डेट कुछ समय बाद होगी और कब से होगी इसके बारे में यहाँ भी नहीं बता पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, कैसे होगी इसकी अभी साथियों यहाँ पर चौथा राउंड अभी चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग जीकब एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है फोर्थ राउंड का। और साथियों इसके बाद साथियों ये राउंड चलेगा लगभग जो है 28-30 तारीख तक, और साथियों अगले महीने में आप लोगों को डी फार्मा की काउंसलिंग होने की पूर्ण रूप से संभावना है, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों की जो है यहाँ पर देख चौथे राउंड वालों का है यहाँ पे हो रहा है जी कब का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको काउंसलिंग एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड सिक्योरिटी पिन जो ऊपर दिया गया है ये लेटर वगैरह जो वो यहाँ पर दिया गया है ये सारी चीजें जो बता रहे इसको लॉग इन करके आपको साइन इन करना है। यहीं से ही साथियों आप लोगों की जो है डी फार्मा वालों की भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये जो है साथियों चौथा राउंड काउंसलिंग चल रहा है, इसके बाद आप लोगों का जो है शुरू हो जाएगा डी फार्मा वालों का। तो साथियों डी फार्मा वालों को कब से शुरू होगा आप लोगों का, सितंबर महीने में। इस राउंड में तो नहीं शुरू हो पा रहा है, तो अगले राउंड में सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को डी फार्मा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखना है, जैसे कि आप लोगों का सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था उसको आप शायद रखे होंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया था उसको आपको रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं फेंक देना है, वो सारी चीजें काम देगी। उसके बाद जो आपका एग्जाम दिया था उसके बाद वहां पे होगा, ठीक है, और एडमिशन देने के बाद आपका जो रिजल्ट आया था उसको भी डाउनलोड करना है। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे भाई तो उसके बाद आप लोग जब काउंसलिंग करवाएंगे फीस वगैरह कटेगी तो ये सारी चीजें हो जाए इसको रखना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसका 2-2 कॉपी आपको रखना है अपने साथ में। आपके जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो वहाँ पे काउंसलिंग होगा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे हाई स्कूल 12th हो गया, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी आपको ले जाना, फोटो ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें आपको वहां पे ले जाना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कहीं जाके आपका डी फार्मा में एडमिशन होगा। यदि आपके अच्छे नंबर है तो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, रैंक कम है तो आपका प्राइवेट कॉलेज में होगा। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की रैंक कितनी आ रही है,
ताकि हम आपको वीडियो के माध्यम से बता सकें आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा कि एडेड कॉलेज में होगा या प्राइवेट कॉलेज में होगा। ठीक है, ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपने इतना बहुमूल्य समय दिए अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।